जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने भारत की मदर एलिस्वा को पूजनीय घोषित किया। शीर्ष अदालत में ईसाई जज की नियुक्ति की सराहना। दिवाली पर कैथोलिक बिशप का संदेश एकता करुणा को गहरा करें। चार नए पुरस्कार विजेताओं को रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाराणसी में ईसाइयों और हिंदुओं ने मुस्लिम इलाकों में जलाए दीपक। धर्म बहनों ने संघर्षग्रस्त मणिपुर की लड़कियों को आश्रय दिया। ईसाइयों सिखों ने जलवायु संकट से लड़ने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। कैथलिकों ने हेरिटेज चैपल के पास रिसॉर्ट का विरोध किया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने भारत की मदर एलिस्वा को पूजनीय घोषित किया। पोप फ्रांसिस ने 8 नवंबर को संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चे सेमरारो से एक मुलाकात में तेरेसियन कार्मेल धर्म समाज CMC की संस्थापिका धन्य कुमारी मरियम की एल्विसा के विरोचित सद्गुणों को मान्यता देते हुए उन्हें कैथलिक कलीसिया में पूजनीय घोषित किया। पूजनीय मदर एल्विसा का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को केरल में हुआ था और निधन 18 जुलाई 1913 को हुआ। शीर्ष अदालत में ईसाई जज की नियुक्ति की सराहना। देश की शीर्ष अदालत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की उनके अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने सराहना की है। जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में शपथ दिलाई। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल ने 13 नवंबर को बताया यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। जस्टिस मसी अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं। माइकल जो दिल्ली आर्च डायसिस के फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं ने कहा कि उनकी नियुक्ति से न्याय की तलाश कर रहे सभी भारतीयों को लाभ होगा। दिवाली पर कैथोलिक बिशप का संदेश एकता करुणा को गहरा करे। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने 11 नवंबर को साथी नागरिकों से रोशनी के त्यौहार दिवाली के अवसर पर समझ करुणा और एकता के मार्ग को उज्जवल बनाने का आग्रह किया। एक सम्मेलन में दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लोगों से हमारे घरों और दिलों को दीयों से रोशन करने का आग्रह किया गया। चार नए पुरस्कार विजेताओं को रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया के प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं की बढ़ती सूची में चार एशियाई लोगों को जोड़ा गया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में भारत के कैंसर उपचार क्रांतिकारी रवि कनन आर तिमोर लेस्ते के खाद्य सुरक्षा अधिवक्ता यूजेनियो लोमेसो, फिलीपींस के शांति वार्ताकार मरियन कैरोनॉल फेरर और बांग्लादेश के कोरवी रक्षंद शामिल थे। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान 11 नवंबर को मनीला मेट्रोपॉलिटन थिएटर में एक औपचारिक समारोह में मिला। चार नए पुरस्कार विजेताओं के साथ रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या 348 हो गई है। वाराणसी में ईसाइयों और हिंदुओं ने मुस्लिम इलाकों में जलाए दीपक। वाराणसी जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान है में रोशनी के हिंदू त्यौहार दिवाली के अंतर धार्मिक उत्सव के लिए ईसाई और मुस्लिम हिंदुओं के साथ शामिल हुए। प्रसिद्ध ईसाई वकील और काशी कौमी एकता मंच के सह संस्थापक सुरेंद्र चरण ने कहा, दीपक नहीं जलता, बाती जलती है। इस तरह बाहरी कारक प्यार नहीं फैलाते। सच्चा प्यार अदृश्य होता है और दूसरों के लिए मरने को तैयार होता है। कैथोलिक मंडली इंडियन मिशनरी सोसाइटी के विश्व ज्योति कम्युनिकेशन के साथ काम करने वाले शांति कार्यकर्ता तौफीक अंसारी ने कहा कि कार्यक्रम का सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें क्षेत्र के सभी घरों के सामने मिट्टी के दीपक जलाना पसंद आया। धर्म बहनों ने संघर्षग्रस्त मणिपुर की लड़कियों को आश्रय दिया। मणिपुर में धर्म बहनों के द्वारा संघर्षग्रस्त मणिपुर की लड़कियों को आश्रय दिया गया है। स्नेह भवन की 12 वर्षीय निवासी अंजलि खोचुन ने ग्लोबल सिस्टर्स रिपोर्ट को बताया, ऐसा नहीं है कि हम हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। मणिपुर में जाति हिंसा जो 3 मई को शुरू हुई, मैतेई समुदाय जो हिंदू है और राज्य के बहुसंख्यक समुदाय और कुकी एक अल्पसंख्यक जनजाति जो ज्यादातर ईसाई है के बीच एक संघर्ष है। हिंसा में लगभग 200 नागरिक मारे गए हैं जिनमें अधिकतर कुकी थे। कई चर्च और गांव भी जला दिए गए।
ईसाइयों और सिखों ने जलवायु संकट से लड़ने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। अंतरधार्मिक संवाद विभाग ने ईसाइयों और सिखों दोनों से जलवायु संकट से संबंधित प्रमुख मुद्दों से निपटने में योगदान का आह्वान किया। कार्डिनल मिगुएल एंजेले ने सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर अपने संदेश में दोनों संप्रदायों को इस बिगड़ती समस्या के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्डिनल के अनुसार कैथोलिक और सिख धर्म एक दूसरे के साथ और सृष्टि के साथ स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा, वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए साझा रणनीति और तालमेल की आवश्यकता है और यह अकेले नहीं किया जा सकता। समाज के सभी स्तरों पर लोगों को शामिल करते हुए दिल दिमाग और हाथों का जुड़ना आवश्यक है। कैथलिकों ने हेरिटेज चैपल के पास रिसोर्ट का विरोध किया। गोवा में चर्च के नेता और आम लोगों ने 16वीं सदी के पुर्तगाली विरासत चैपल के निकट योजनाबद्ध लग्जरी इको रिसोर्ट परियोजना को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित परियोजना केपाला दा नोसा सेनहोरा डो मोंटे के आसपास 100 मीटर के नो डेवलपमेंट जोन के भीतर आती है, जिसे चैपल ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट के नाम से जाना जाता है, जो ओल्ड गोवा गाँव में मांडोवी नदी के सामने एक पहाड़ी पर स्थित है। पिछले महीने गोवा निवेश और संवर्धन बोर्ड ने अपने उच्च स्तरीय लग्जरी इको रिसोर्ट के लिए लेटराइट रिसोर्ट को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और परियोजना के लिए 10,356 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव अधिसूचित किया। इसी के साथ कलीसे समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RBA मोबाइल ऐप। RBA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाइयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RBA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।